अध्याय 8 दोहावली कविता अध्ययन से पूर्व। तरोवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, कही रहीम परिकाज, हित संपत्ति सभी सुजान। रहीम कविता का मूल तत्व दोहावली के माध्यम से ब्रज भाषा एवं रचना का भावार्थ समझना। सूरदास के 10 प्रसिद्ध दोहे। पहला, चरण कमल बंदो हरी राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लागे, अंधे का सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने मुखपुनि बोले, रख चले सर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुण में बार बार, बंदो ते ही पाई, खजन नैन रूप मत माते। दूसरा, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट सवरनन के, उलट पुलट ताटंग फंदाते। सूरदास अंजन गुण अचके, नत्रव अभीच उड़ जाते। तीसरा, मैया मोही दाव बहुत खिजायु, मासो कहत मोल को किन्ही लिन्हो, तू जसुमती कब जायो। कहा करू इही के मारे, खेलन ओह नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तरोतात। गोरे नंदन जसोदा गोरी, तू कत समायल गात, चुटकी दे दे गवाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दाहुई कभू ना खीजे, मोहन मुखरिसी के बाद, जसुमती सुनी सुनी रीजे। तुनुहु काना बलब्रिज चबाई, जनमत की दो धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता कुतो पूत। चौथा, अरु हलतर सो भैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा, अरु हलतर सो भैया। ऊंचा चढ़ी चढ़ी कहती, जशोदा ले ले नाम कन्हैया, दूरी खेलन जानी जाहू लाला रे, मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कोतहल, घर घर बस्ती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस, को चरननी की बलि जैया। पांचवा, मैया मोही में नाही माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोही पछायो। चार पहर बंसी पर भटक्यो, साजे परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, ठीको की बधी पायो, ग्वाल बाल सब बेर पड़े हैं, बरबस मुकलब चायो। तू चुन नीमन की अति, भोरी इनके कहीं पति आयो, जिए तेरे कछु भेद उपजे हैं, जानी पर आयो जायो। ये ले अपनी लकुची कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिही से जसोदा, ले उर कंच लगायो। छठा, मैया मोही कभू बढ़ेगी चोटी, कति बेर मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी, तू तो कहती बल की बेनी, ज्यो है लांबी मोटी। काड़त गुहत निहावावत, जे ही नौकीर सील भूई लोटी, काचो दूध पियावती, पची पची देती ना माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरी हलधर की जोटी। सातवां, जसोदा हरी पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मलहावे, जोसी सुई को छुगावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, कहे न आनी सुबावे। तू काहे नाही बेगाही, आवे तो को कान्हा बुलावे, कभू पलक हरी मुंदी लेत है, कभू अधर पर कावे। सोवत जानी मौन है, के रही करी करी सैन बतावे, इही अंतर अकुलाई, उठे हरी जसुमती मधुरावे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि, दुर्लभ सोनन भामी नी पावे। आठवा, बुझत श्याम कोनू तू गौरी, कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रिज खोरी, काहे को हम ब्रिजतन आवती, खेलती रहीम अपनी पोरी। सुनत रहती सत्रुव नानी, नंद तोटा करत फिर माखन ददी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले हे, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक सिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। नवा, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर के समुझाई सो दे, पुछती सांची ना हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, कि हम रस में अभिलासी।
पावे गोपनी कियो आपनो जारे करेगी गांसी सुनत मौन हवे रहे हो बावरो सुर सबे मतिनासी। दसवां, जो तुम सुनो जसोदा गोरी नंदन नंदन मेरे मदिर में आजो करन गए चोरी। हो भाई जाई अचानक थाड़ी कहो भवन में कोरी रहे छपाई सकुची रचक है भई सहेज मती भोरी। मोही भयो माखन पछितावो रीति देखी कमोरी जब कही बाहम बकुलाहल किनी तब कही चरण नी होरी। लागे ले नैन जल भरी भरी तब मैं कानी न तोरी सूरदास प्रभु देत दिन ही दिन ऐसी ओ लड़ी सलोरी। रही रही मन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार रही मन फिर पोइए चूचे मुखातार। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी बिना ना उबरे मोती मानुष चून। रही मन देखी बड़े इनको लघु ना दीजिए जारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए जोरी ते फिर ना जुरे जुरे गांठ परी जाए। शब्दार्थ विपदा अर्थात मुसीबत जगत अर्थात संसार चटकाए अर्थात झटके से सकल अर्थात समस्त संतई अर्थात सज्जनता सुजन अर्थात स्वजन। उच्चारण करें अतिशय करुणा में श्यामल नंदन नंदन सकुची नया बाबर त्रिभुवन रहीमन मानस अनहित अध्यापन संकेत शिक्षक शिक्षिका दोहावली के माध्यम से सूरदास एवं रहीम का जीवन परिचय देते हुए दोहों का भावार्थ भी बताइए। अभ्यास करें जरा बताइए। प्रश्न एक दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क नंदपत्नी यशोदा जी किसके बाल स्वरूप का सुख प्राप्त कर रही हैं? उत्तर भगवान को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का सुख नंद की पत्नी यशोदा जी प्राप्त कर रही हैं। ख सूरदास जी किसके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं? उत्तर सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहे हैं। ग बाल कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? उत्तर कृष्ण माँ यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं। घ श्री कृष्ण जी ने किसका मन मोह लिया? उत्तर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं ने सभी गोकुल वासियों का मन मोह लिया। जरा लिखिए प्रश्न दो दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को किस चीज का प्रलोभन दिया? उत्तर माँ यशोदा ने कृष्ण को प्रलोभन दिया कि कच्चा दूध पीने से चोटी लंबी हो जाएगी। ख रहीम ने प्रेम संबंध तोड़ने से क्यों मना किया है? उत्तर रहीम ने प्रेम संबंध को तोड़ने से इसलिए मना किया है कि कई बार एक संबंध टूट जाने से यह दोबारा नहीं जुड़ सकता। ग रहीम ने थोड़े दिन की विपदा को भली क्यों कहा है? उत्तर रहीम ने थोड़े दिन की विपदा को भली इसीलिए कहा है क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। घ ईश्वर संसार में किस प्रकार व्याप्त है? उत्तर ईश्वर संसार में इस प्रकार व्याप्त है कि वह हर अच्छे बुरे कर्मों को देखते हैं तथा उसी अनुसार उसका फल भी देते हैं। प्रश्न तीन सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क संत नहीं छोड़ते संतई शीतलता क्रोध संसार। उत्तर शीतलता। ख रहीम के अनुसार मनुष्य को अपने जैश की रक्षा करनी चाहिए अपमान सम्मान दोनों की किसी की भी नहीं। उत्तर सम्मान। ग रहीम के अनुसार बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज की क्या नहीं करनी चाहिए उपेक्षा अपेक्षा इच्छा सभी। उत्तर इच्छा। घ रहीम और सूरदास के दोहों की रचना डैश भाषा में है अवधि ब्रज भोजपुरी मैथिली। उत्तर अवधि। प्रश्न चार दिए गए दोहों का भावार्थ लिखिए।
क दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय मुई खाल की स्वास सो सार भसम है जाए। ख रहीमन देखी बेड़न को लघु न दीजिए डारी जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। प्रश्न 5 सही मिलान कीजिए क सूरदास उत्तर कृष्ण भक्ति। ख विपदा उत्तर भली। ग वस्तु उत्तर त्याग। घ रहीम उत्तर ब्रज भाषा। जरा सोचिए प्रश्न 6 सूरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से किसकी भक्ति बखान किया है और क्यों विचार कर लिखिए। प्रश्न 7 रहीम जी और सूरदास जी के दोहों में किस प्रकार का अंतर प्राय देखने को मिलता है कक्षा में चर्चा कर अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 8 सूरदास जी अपनी रचनाओं में भावनात्मक और कलात्मक छाप किस प्रकार छोड़ी है कक्षा में चर्चा कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 9 दिए गए तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में परिवर्तित कीजिए। क ग्रह उत्तर घर। ख चरित्र उत्तर चरित्र। ग चतुर्थी उत्तर चौड़ा। घ घट उत्तर घड़ा। प्रश्न 10 दिए गए शब्दों को ऋण यौगिक और योग ऋण आधार पर अलग अलग कीजिए। क ऋण उत्तर हाथी जल पंकज पेड़ शेर। ख यौगिक उत्तर रसोई घर पाठशाला विद्यालय शरणार्थी। ग योग ऋण उत्तर दशानन चारपाई महावीर। प्रश्न 11 दिए गए समस्त पदों के समास का नाम बताइए। ख त्रिभुवन उत्तर द्विक समास। ख मनमोहन उत्तर तत्पुरुष समास। ग चरण कमल उत्तर कर्णधारय समास। प्रश्न 12 प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार छिपा है बताइए। क पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन उत्तर श्लेष अलंकार। ख मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो उत्तर रूपक अलंकार। ग चरण कमल बंदो हरी राई उत्तर रूपक अलंकार। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 13 सूरदास जी के जीवन परिचय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 14 रहीम जी मुसलमान होने के बावजूद श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति का स्वरूप दिखाई देता है जिनमें से उनकी प्रसिद्ध रचना मदनाष्टक है। अन्य प्रसिद्ध रचनाओं का नाम बताइए। प्रश्न 15 सूरसागर सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है अन्य दो रचनाओं के नाम भी बताइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 16 आत्मा ही परमात्मा का अंश है अतः सभी जीवों पर दया क्षमा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। क्या आप अपने जीवन में इन मूल्य को अपनाना चाहेंगे।